नमस्कार दोस्तों, रेखा ब्लॉगर में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सब, आशा करते सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए फिर एक नए रेसिपी लेके हाजिर हो गए हैं जो हम बनाने जा रहे हैं ऐसे तो ऐसे बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, हमारे गांव की रेसिपी है दोस्तों और बहुत ही अच्छी बनती है। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और चलिए ऐसे बनाते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर, ये जरूर अच्छा है। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे चावल भिगा दिए थे दो दिन के लिए, हमने ये चावल भिगा दिए थे। तो ये चावल हमारे अच्छे से भीग गए हैं, इसमें अब इसका पानी हम जो है छान लेंगे। तो दोस्तों इसका पानी जो है हमने छान लिया है, अब इसे सुखाने के लिए हम इसे डाल देंगे। तो यहाँ हमने ये कपड़ा बिछा रखा है और इसमें ऐसे डाल देंगे सूखने के लिए, सूखने के लिए। और अगर पंखा चल रहा है तो जल्दी सूख जाएंगे, अगर पंखा नहीं चल रहा है तो इसे हवाई में डालना है, अंदर छाए में, धूप में नहीं डालना है। तो ऐसे हम इसे सारे में ऐसे फैला लेंगे। तो दोस्तों हमने 15 मिनट के लिए इन्हें सूखने के लिए पंखे के हवा में डाल दिया था। तो ये चावल को अब हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसे पीसेंगे। तो हमने ज़्यादा देर के लिए इनका नहीं सुखाया, 15 से 20 मिनट के लिए सुखाया है इसका, ताकि पानी जो है सारा सूख जाए। अब इसी मिक्सी में हम पीस लेंगे, एक आटा का पेस्ट बनाएंगे। ये चावल को पीस लिया है, अब इसे हम छान लेंगे। तो ये आटे की छन्नी है, इससे हम छान लेंगे। तो ऐसे बारीक बारीक सा आटा निकलना है। हमने छान लिया है, बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आटा है हम अब आटा गूंदेंगे। तो आटा गूंदने के लिए इसमें जो हम सामग्री डालेंगे तो वो क्या है, ये हमने 250 ग्राम खोया लिया है। तो ये खोया हमारा जो है घर का नहीं है, मार्केट का है। अगर आपके पास घर का है तो डाल लीजिए खोया, आप कम ज़्यादा कोई कितना भी कर लीजिए, कोई वो नहीं होता, खोया तो अच्छा होता है। और यहाँ पे हम हमारी ये आधे किलो चावल का आटा है, तो हम यहाँ पे 250 ग्राम चीनी का ये बूरा है, तो बूरा डालेंगे 250 ग्राम। अगर आपके पास बूरा ना मिले तो चीनी का किसी हुई चीनी ले लीजिए। तो इसे हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम एक आटा की तरह इसे गूंद लेंगे, अच्छा सा डोई इसका बना के हम तैयार करेंगे। तो दोस्तों इसे हम गूंद के आटा को 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि जो आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, आटा अच्छे से हमारा सेट हो गया। थोड़ा सा हम और गूंद देंगे आटे को। दोस्तों अब हम बनाएंगे ऐसे, तो इनका एक छोटा सा बोल बनाना है और इसको ऐसे पतला पतला रोटी की जैसे बढ़ा लेना है, बड़े सा कर लेना है ऐसे। और यहाँ पे हमारा जो है तेल हमने गरम कर लिया है, तो तेल हमारा गरम है, अब इसमें ये डाल देंगे ऐसे। और ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो हाई फ्लेम में क्या है ऊपर ऊपर जल जाता है, अंदर तक नहीं जलता है। तो हमें ऐसे ही बना बना करके ऐसे को डाल देना है, ऐसे ही बनाते जाना है, डालते जाना है। तो दोस्तों देखिए हमारे जो ऐसे हैं ये हमारे पक रहे हैं, लाइट ब्राउन हो रहे हैं। थोड़ा सा हम तेल इनके ऊपर डाल देंगे, ताकि हमारा जो है ऊपर तक भी पक जाए। इससे जो है पक गए हैं, लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरीके के देखिए बन रहे हैं फूल करके, देखिए इस तरीके के हमारे निकल निकल के बना के ऐसे रख लेंगे हम। तो दोस्तों हमारी ये ऐसे को क्या है, हमें एक साइड से पकाना है और इसमें तेल ऊपर से डालते रहना है, ताकि हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वो पक जाए। और ये थोड़ा सा नरम होता है, जब हम इसे निकालते हैं तो नरम लगता है, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना तो ये क्रंची हो जाता है, हार्ड हो जाता है, पर खाने में बहुत इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। दोस्तों देखिए अभी ये थोड़ा सा ये देखने में नरम है, और इस तरीके से हम ऐसे तेल ऐसे कर देंगे तो तेल सारा हमारा कलछी से निकल जाएगा। अब जो हमारा ऐसे पक गया है, अब हम बाहर निकाल लेंगे इसे। लीजिए दोस्तों हमारे ऐसे बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छे बनते हैं ये ऐसे। बस चावल को भिगाना है, आप 24 घंटे के लिए भिगा के ही बना सकते हैं, या तो दो दिन के लिए भिगा लीजिए।
और बस खोया और चीनी डाल के बना लीजिए। अगर आपको जैसे ये आटा फट रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसमें थोड़ा सा सूजी मिला के बना लीजिए, उससे भी बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, तो देखिए कितना सॉफ्ट भी है, क्रंची भी है और खाने में टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐप हम ऐसे ही आसान सी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।